आज हमारा टॉपिक होगा एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि क्या होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के कैसे ये डिफरेंट है। सो जाने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने स्टार्ट कर दी है फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फाइनल ईयर, तो ये हमारा पहला वीडियो होगा जो कि इंट्रोडक्शन होगा बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है और ये अपने क्लासिकल मैकेनिक्स से किस प्रकार डिफरेंट है, काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। सो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इवन अगर हम बात करें क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो जितने भी काम हम करते हैं और जो भी इनफैक्ट आप देख पा रहे हैं, सभी कुछ हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी दैनिक जीवन में जितने भी वर्क होते हैं, जो भी आप करते हैं, जो कि आपकी आंखों से दिख रहा है, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। और भी पार्ट्स आते हैं, आगे हम सब कुछ चर्चा करने वाले हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है जब बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल की बात की जाए, जो कि हमारे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स यूज करते हैं। अगर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से देखा जाए, जैसे आप यहां पर स्टेज पर खड़े हो, अगर आप देखे, मान लीजिए आप घर पे बैठे हो, आपका स्कूल आपका कॉलेज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा अगर क्वांटम मैकेनिक्स से देखा जाए। बट क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि वो दैट इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट जो भी आप देख पा रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर बात किया जाए क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स हमारा बोलता है जो भी आप देख रहे हो ये सॉलिड स्टेट में है, और आपको दिखता भी ये सॉलिड स्टेट में है, बट ये सॉलिड स्टेट में है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड हमारा सॉलिड स्टेट में नहीं है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड सॉलिड स्टेट में है या फिर गैस स्टेट में है या फिर लिक्विड स्टेट में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्सल किस स्टेट में है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारी आई थी, ये इसी पर फेयर हो गई थी, जो कि हमारा क्वांटम मैकेनिक्स इसके बारे में एक्सप्लेन करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा था जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी, जैसे ये बिल्डिंग दिख रही है आपको सॉलिड स्टेट में है, भी सॉलिड स्टेट में, बट ये एक्चुअल में क्या है आपको कैसे पता चलेगा। मान लीजिए आप एक पत्थर लीजिएगा, ध्यान समझिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। आपने एक पत्थर लिया, पत्थर को आपने देखा, तो आपको मिला कि वो सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है और आपको वो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। जब आपको वो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, अब हम क्लियर आपको कर देते हैं कि अब उसी को यदि हम जूम करें, आपके मन में ये विचार आया होगा ना, वो जूम हो सकता है कोई भी पार्टिकल, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर लेते हो, पत्थर लेने के बाद उसे अगर जूम करते हो तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, अगर उसे और जूम कर दिया जाए तो क्या दिखाई देंगे। इवन अगर आप एक छोटे से पत्थर को जूम करोगे तो आपको कुछ इस तरह दिखेगा, और भी जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहोगे सर ये कैसे है। यस, अगर आप किसी भी पार्टिकल को जूम करते हो तो वो और ज़्यादा जूम होता है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा जूम कर देते हो तो कुछ इस प्रकार दिखता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखता है। और यदि उसे और भी ज़्यादा जूम करें, पॉसिबल है अभी जूम करना, क्योंकि हम एक पत्थर लिए, पत्थर सॉलिड स्टेट में है, और भी हम जूम करेंगे अभी, यदि उसे और भी जूम कर दिया जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है जो कि हम बोल सकते हैं दैट इज एटम। ये हमारा एटम होता है, फाइनली जो आप लोग पढ़ते हैं यही हमारा एटम होता है। और यदि इसके बाद भी जूम करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि वो एक वेव के फॉर्म में होगा, एक एनर्जी होगा। तो आप यहां पर क्लियर कर पा रहे हो कि ये एक वेव के फॉर्म में, एक पत्थर भी है और वह एक वेव के फॉर्म में भी है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम देखते हैं तो वो पत्थर हमारा सॉलिड स्टेट में है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जाकर के, तो वो हमारा एक वेव के रूप में दिखता है। और वेव
अपना शेप साइज सब कुछ चेंज करता रहता है। मतलब अगर ये बिल्डिंग बनी है तो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी है, अगर उसे हम जूम करते चले जाएं तो आपको कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखेगा, जूम हो जाएगा, और भी जूम करें तो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, और जूम करेंगे तो एटम्स दिखेंगे, और भी जूम करेंगे तो एनर्जी दिखेगी। मतलब फाइनली ये पूरा बिल्डिंग हमारा एक वेव के फॉर्म में होता है। अब बात आती है, हमें वेव के फॉर्म में तो दिखता नहीं, वेव के फॉर्म में अगर है तो ये वेव के फॉर्म में क्यों नहीं दिखता हमें? तो ये बिल्डिंग टोटल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हमारी सभी चीज़ें सॉलिड स्टेट में, बट क्यों? यहीं पर कन्फ्यूज़न होती है, यहीं पर हमारा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। लेकिन क्यों ऐसा होता है, हमें वेव के फॉर्म में न दिख करके ये सॉलिड फॉर्म में क्यों दिखती है? तो आपको हम क्लियर करा दें कि जो सॉलिड स्टेट में दिखती हैं, क्योंकि यदि आप उसको देख रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, जैसे मान लो आप अपने घर पे बैठे हो, आपके कॉलेज में वो कॉलेज आपका मूव कर रहा है, या आप यहाँ पर बैठे हो आपका ऑफिस, वो ऑफिस आपका मूव कर रहा है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। लेकिन जब आप या कोई अन्य ऑब्जर्वर उसे देखेगा, उसे सॉलिड स्टेट में दिखेगा और वो एक प्रकार से सॉलिड स्टेट में, और वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब जब ऑब्जर्वर उसे देखता है तभी हर चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर बता दिया जाए, एक टॉपिक दिया जाए क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड में, कि कोई भी वस्तु इस यूनिवर्सल में, कोई भी वस्तु, इनफैक्ट ये यूनिवर्सल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पूरा ब्रह्मांड हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये वेव के फॉर्म में है, नॉट ए सॉलिड फॉर्म, ये एक वेव के फॉर्म में है। तो आप यहां पर बताओगे, जैसे सिंपली आप समझिएगा, एक आप गन लेते हो जिसे इलेक्ट्रॉन गन बोल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन गन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसमें निकलते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा रहा होगा, उसमें आपने देखा था इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और डबल स्लिट से होकर वो मूव करते हैं, तो फाइनली वो जब एक पर्दे पर पड़ते हैं तो वो एक वेव के, एक स्लिट पर पड़ते हैं तो वो एक वेव के फॉर्म में पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर देखता है तो उसे वेव के फॉर्म में नहीं दिखता। ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, अब तक का साइंस से रिलेटेड सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट यही रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी बच्चों को क्रिएट होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में मूव कराएं तो वो एक स्लिट से होकर जब गुजरता है तो वो एक वेव के फॉर्म में मूव करता करने लगता है, जिसे आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसे आप उसका डुअल नेचर भी बोल सकते हैं, किसी भी पार्टिकल का डुअल नेचर, या फिर आपने पढ़ा रहा होगा डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कण प्रकृति को भी शो करता है, पार्टिकल एज ए पार्टिकल, और एक तरंग प्रकृति को भी शो करता है एज ए वेव, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल एंड वेव दोनों के रूप में हो सकता है। मतलब ये कि जब आप इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के रूप में गुजारते हो तो वो स्प्लिट से होकर जब गुजरता है तो वो एक वेव के फॉर्म में गुजरता है, और एक वेव के फॉर्म में उस पर्दे पर वेव के फॉर्म में वो पड़ जाता है। लेकिन यदि वहीं पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया जाए, वहीं पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि उस इलेक्ट्रॉन को देख रहा है कि वो स्लिट से होकर जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसे पार्टिकल्स के रूप में दिखते हैं एक्चुअली। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ये पाया गया कि आपको वो भले ही पार्टिकल के रूप में दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो वेव के रूप में जा रहे हैं। इसी प्रकार हम बता सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब के सब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सब वेव के फॉर्म में हैं। तो अगर बात आती है कि जब स्लिट से वो अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, तो अगर स्लिट से नेचर जब चेंज करें, अपने नेचर को चेंज कर लिया, तब अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है तो फिर क्या होगा? तब अगर कोई भी ऑब्जर्वर देखेगा तो भी उसे पार्टिकल्स के रूप में ही शो होगा। मतलब चाहे जब भी कोई ऑब्जर्वर देखे
तो उसे पार्टिकल के रूप में ही शो होगा। जैसे मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को गुजारा जा रहा है स्प्लिट से, और स्प्लिट से जब गुजरेगा तो वो वेव के फॉर्म में जा रहा है, बट एक्चुअली जब हमने देखा तो वो हमें पार्टिकल्स के रूप में ही दिखेगा, क्योंकि हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हैं, हम उसका वेव फॉर्म देख नहीं पाएंगे, उसका वेव फॉर्म देख नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल को जब हम जूम करते हैं तो इलेक्ट्रॉन दिखता है, और भी जूम करते हैं एटम और भी जूम करते हैं तो एक एनर्जी के रूप में दिखता है, मतलब होल हमारा यूनिवर्सल एक एनर्जी के फॉर्म में है। उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा, हालांकि ये बहुत कन्फ्यूजन टॉपिक है, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें बता दी, आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ पाओगे। और यदि अगर हम बात करें कि आप जो नाव अभी कर रहे हो वो आपके भविष्य को चेंज करेगा, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आप भविष्य में कुछ बन सकते हो, अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हो तो आगे चल के आपको फल मिलेगा, अगर आज आप किसी की हेल्प कर रहे हो आगे चल के वो भी आपकी हेल्प करेगा, अगर आज किसी को आप थप्पड़ मार रहे हो तो आगे समय मिलने पर वो भी आपको थप्पड़ मारेगा, मतलब पास्ट आपका फ्यूचर को चेंज करता है, प्रेजेंट आपका फ्यूचर को इफेक्ट करता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए क्वांटम मैकेनिक्स से तो इसमें कोई भी रिलेट नहीं है, मतलब पास्ट फ्यूचर, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब इवन आप एक छोटी सी सीरीज ले लीजिए, जैसे बच्चा पैदा होता है छोटा सा, बड़ा होता है स्कूल जाने लगता है, और भी बड़ा होता है, और भी बड़ा होता है कॉलेज जाने लगता है, और भी बड़ा होता है, और भी बड़ा होने के बाद वो यौनावस्था में आ जाता है ना, और भी बड़ा होता है तो वो बूढ़ा हो जाता है जनरली। तो ये हमारा सीरीज है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, और एक्चुअली में ऐसा होता भी है, सबको ये पता है कि किस प्रकार उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स से देखें तो कोई भी बच्चा है वो बूढ़ा हो सकता है, बूढ़े होने के बाद बच्चा होगा, फिर वो कॉलेज जाएगा, फिर वो और भी बड़ा होगा यौन अवस्था में आएगा, फिर वो छोटा सा बच्चा हो सकता है, फिर वो वृद्धावस्था में जा सकता है, मतलब कोई भी सीरीज नहीं है, वो साथ साथ टाइम के ऐसे मूव करता रहता है, उसमें कोई भी सीरीज नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, वो एनर्जी के फॉर्म में है, वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में। तो इससे आपने देखा कि यहां पर क्लासिकल मैकेनिक्स में रेगुलरिटी बनती है, एक पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, फिर बड़ा आदमी बूढ़ा हुआ, बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, उसमें सभी घटनाएं सभी इवेंट्स साथ साथ होते हैं, इवन आप फ्यूचर में जो आएगा वो आपके पास्ट को चेंज कर सकता है। इमेजिन कीजिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको पास्ट को इम्प्रेस कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, मतलब आपने जो किया वो फ्यूचर वाला काम आपको इफेक्ट किया। सिंपली अगर आपको ये समझ में आया होगा तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे, जो कि हमारा आज के सेशन का लास्ट एग्जांपल होगा, जो कि आप समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। हालांकि आप ये मत सोचिएगा कोर्स हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमने पता नहीं क्या क्या बता दिया, हमने सिर्फ आपको एक क्लासिकल की दुनिया से हटा करके एक क्वांटम की दुनिया में लाने का प्रयास किया है। आपको मैंने सोचा कि आप क्लासिकल की दुनिया से हट करके क्वांटम की दुनिया में आए और कुछ सोचे कुछ समझे। अगर सिंपली बता दिया जाए क्लासिकल मैकेनिक्स में आप क्या देखते हो, आप यहां खड़े हो, आपका दोस्त 1 किलोमीटर दूर खड़ा है, क्या कोई रिएक्शन हो सकता है? नॉट पॉसिबल, ना आप उसको इफेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो आपको इफेक्ट कर पा रहा है, इवन वो 2-4 किलोमीटर दूर खड़ा है फिर भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया जाता है कि दो पार्टिकल यदि काफी ज्यादा दूरी पर रख दिए जाए तो उनसे कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता, कोई पार्टिकल उधर है क्या उसे इंप्रेस कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है? इवन आप दो मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट को दूर कर दीजिए, ना तो वो अट्रैक्ट करेंगे ना तो वो रिपेल करेंगे, इवन कोई भी रिएक्शन वो नहीं करेंगे, बट ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है कि इवन आप दो पार्टिकल को चाहे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर रख दो, लेकिन वो कुछ न कुछ इफेक्ट डालेंगे, मतलब
क्वांटम मैकेनिक्स में प्रूव किया गया, हमने आपको बता दिया पहले ही सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में, आपको ये प्रूव करके दिखा दिया गया कि ब्रह्मांड में कितनी भी दूरी पर रख दो, मतलब सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, चाहे जितनी भी दूरी पर आप रख दो। क्वांटम मैकेनिक्स से अगर आप देखा जाए कि आप यहाँ खड़े हो 1 किलोमीटर दूर जो आपका दोस्त खड़ा है, आप उसके बारे में जो सोच रहे हो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, आज तक वैज्ञानिक को ही नहीं ये ढोल कर नहीं बता पाया, लेकिन ऐसा होता है। 1 किलोमीटर खड़ा कोई व्यक्ति है अगर आपके बारे में बुराई कर रहा है तो कुछ न कुछ कॉमन सेंस आपके दिमाग में आ ही जाता है कि अगला खड़ा व्यक्ति वो आपकी बुराई कर रहा है। ऐसा क्यों? कुछ न कुछ तो इफेक्ट डालता है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं हो पाया। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ इतना बताकर छोड़ दिया गया और एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सका, न तो इसके बारे में कोई प्रॉपर एग्जिस्टेंस मिला, कोई प्रॉपर एग्जिस्ट हमारा फार्मूला मिला जिससे हम प्रूव कर सके। बट इतना ये आप समझ लीजिए कि कोई भी पार्टिकल्स होगा, इवन आप भी कितनी भी दूरी पर खड़े हो, कोई किसी के बारे में अगर चर्चा कर रहा है तो कुछ न कुछ उसको आभास होता ही होता है, कुछ न कुछ को उसको आभास हो जाता है। दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स के कारण ऐसा होता है। जितने भी पॉइंट्स हम बताए ये क्वांटम मैकेनिक्स के कारण हमारा हो रहा है कि उसे इतने दूर होने पर भी किस प्रकार से आभास हो रहा है कि वो हमारे बारे में चर्चा कर रहा है। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हमारा चल ही रहा है। सो चलिए आज के लिए बस इतना है। हमारा ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहूँगा कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है कि आपने सोचा कि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था और इतना कॉम्प्लिकेटेड। इवन अगर आप दिमाग से सोचोगे तो ये लेक्चर कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। जिस प्रकार ये सभी बातें हमको याद हैं, अगर आप अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपके दिमाग में भी ये सारी बातें याद हो जाएंगी। जब मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ तो आपका दिमाग एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए, सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड रहना चाहिए, आपका दिमाग कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दिमाग यदि आपको हमारे साथ बना रहेगा और आपके दिमाग में मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ उतना स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, आप सभी चीज़ों को सोचने में पॉसिबल हो पाओगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा ये लेक्चर देखने के बाद आप, मैंने जितनी भी बातें बताई उसको आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे अपने दिमाग में। क्या ऐसा होता है एक बार सोचना अपने दिमाग से, क्या ऐसा होता है? न समझ में आया कोई टॉपिक भूल जाओ तो फिर से इस लेक्चर को देख लेना, फिर से सोचना क्या ऐसा टॉपिक हो सकता है। इवन ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।